गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस यूनिट के लेक्चर नहीं देखे हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, तो आप मेरे चैनल पर जाके प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों यूनिट 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो आज बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इस यूनिट में बच्चों 4 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके बाद 3 चैप्टर और भी बात करेंगे इसमें, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपके जैसे कि मैग्नेट के बारे में बात करेंगे, मैग्नेट और अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मेटेरियल के बारे में बात करेंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप बच्चों नोट्स भी बना सकते हैं मेरी वीडियो से देख के, ठीक है। आपको एक एक चीज प्रॉपर वे में बताई जाएगी, आप इससे अपने नोट्स भी रेडी कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले ले लेते हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, देखो बच्चों ओरेस्टेड ने क्या किया था, सबसे पहले इसने बताया था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है, मींस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है। देखो मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा कोई ताजुब वाली बात नहीं है, लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये सबसे पहले किसने बताया? ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने, मतलब कि ओरेस्टेड ने बताया। इसने अपना एक सेटअप तैयार किया, ये इसका सेटअप था। इसने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया ए बी, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर ए बी लिया। इसके नीचे इसने एक मैग्नेटिक नीडल को रखा, ये बच्चों मैग्नेटिक नीडल है, इसके नीचे मैग्नेटिक नीडल। ये बैटरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी आपका कंडक्टर है, ठीक है। तो इसने क्या देखा, जब मैग्नेटिक नीडल को करंट कैरिंग कंडक्टर के नीचे रखा, पास रखा, तो नीडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, एक करंट कैरिंग कंडक्टर से एक मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है? साफ साफ मतलब यही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपकी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ओरेस्टेड ने फर्स्ट टाइम यही ऑब्जर्व किया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जब कोई मैग्नेटिक नीडल रखते हैं तो वो नीडल डिफ्लेक्शन दिखा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसने यही ऑब्जर्व किया था, इन दिस एक्सपेरिमेंट ओरेस्टेड observed that magnetic field is produced, magnetic field is produced by current carrying conductor. इन दिस एक्सपेरिमेंट ओरेस्टेड ऑब्जर्व दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाई करंट कैरिंग कंडक्टर, मीन्स इज प्रोड्यूस बाई करंट कैरिंग कंडक्टर, मीन्स कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो बच्चों, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है। अब सवाल ये आता है, ये मैग्नेटिक नीडल किधर डिफ्लेक्ट होती है? तो इस नीडल को डिफ्लेक्ट होने के लिए इसने एक
रूल दिया था, एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है, उस रूल को। अब बच्चों ये बात करते हैं कि मैग्नेटिक नीडल किस साइड डिफ्लेक्ट होगी, लेफ्ट में, राइट में, अपवर्ड, डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन के लिए एक रूल है, एम्पियर स्विमिंग रूल। इस रूल को समझने के लिए आप ये समझ लें, SNOW, स्नो। अगर कंडक्टर में साउथ से नॉर्थ करंट पास करेंगे तो नीडल आपकी वेस्ट में डिफ्लेक्ट होगी। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ओवर अ मैग्नेटिक नीडल, द नीडल डिफ्लेक्ट इन वेस्ट। अदरवाइज अपोजिट डायरेक्शन करेंगे तो ईस्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ करंट साउथ से नॉर्थ में जाना चाहिए कंडक्टर में, एस टू एन। ओ का मतलब है जो कंडक्टर है वो नीडल के ऊपर होना चाहिए, ओवर अ मैग्नेटिक नीडल। तो जो भी कंडक्टर होगा और नीडल नीचे होगी, उस टाइम की ऑब्जर्वेशन ये है कि एस से एन करंट पास करेंगे तो वेस्ट में, और एन से एस पास करेंगे तो आपकी नीडल ईस्ट में डिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। When electric current pass through conductor from south to north over a magnetic needle, then needle deflect in west. According to this rule, when electric current pass through a conductor from south to north over a magnetic needle, then needle deflect in west. तो O का मतलब समझ गए, जो conductor है वो needle के ऊपर होना चाहिए। अगर आपने जैसे नीडल ऊपर रख दी, कंडक्टर नीचे रख दिया, फिर रूल बदल जाएगा। तो इस रूल को आप ऐसे समझें, एस से एन करंट जाएगा तो वेस्ट में डिफ्लेक्शन होगा। ओ का मतलब ये है कंडक्टर नीडल के ऊपर होना चाहिए। तो इस वर्ड को याद कर लें, स्नो को, स्नो ही एम्पियर स्विमिंग रूल है। तो नीडल का डायरेक्शन समझ आ गया और स्ट्रीट का ऑब्जर्वेशन समझ आ गया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है और वो नीडल किधर डिफ्लेक्ट होगी, इसके लिए रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा सा वर्ड है स्नो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बायोट सावर्ट्स लो की। ओके, अब बच्चों हम बात कर रहे हैं बायोट सावर्ट्स लो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बायोट सावर्ट्स लो, बायोट सावर्ट्स लो बड़ा अजीब सा नाम है, ये साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, बायोट सावर्ट्स ने क्या कहा कि कोई भी कंडक्टर है बच्चों, इसमें करंट आई है और इस कंडक्टर से आ डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी भी शेप का, ठीक है, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ से ये आपका आर वेक्टर बन जाएगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी पॉइंट पे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, उसके स्मॉल एलिमेंट की वजह से कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज करते हैं। मींस बायोट सावर्ट्स लॉ ये कहता है कि कंडक्टर के छोटे से एलिमेंट की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको लिख सकते हैं। इट इज यूज टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड, इट इज यूज टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है बेटा? I और DL, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। I आपका करंट हो गया, ठीक है, I बच्चों आपका करंट हो गया, I करंट हो गया, और DL क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं मान लेता हूं ये DL है, ठीक है,
ये डीएल हो गया, और आई और डीएल दोनों को मिला के एक टर्म बन जाती है करंट एलिमेंट, जो वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आई और डीएल इसको कंबाइन हम करंट एलिमेंट बोलते हैं। तो इस छोटे से एलिमेंट डीएल की वजह से पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, पॉइंट पी का इस एलिमेंट से डिस्टेंस आर है, तो यहां से जो वेक्टर बनेगा वो आर वेक्टर हो गया। करंट एलिमेंट करंट की डायरेक्शन में होगा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड करंट एलिमेंट। तो इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बच्चों, उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये क्या कहता है कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पे डीबी, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल। मेरी बात समझ में आ गई, करंट एलिमेंट के मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली होगी, क्योंकि करंट एलिमेंट को बढ़ाया जा सकता है करंट की वैल्यू बढ़ा के, लेंथ तो स्मॉल ही रहेगी। दूसरा ये कहता है डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन थीटा समझ गए, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर। तीसरा बच्चों ये कहता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। तो बायोट सावर्ट्स लॉ ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आई डीएल के डायरेक्टली होगा, साइन थीटा के डायरेक्टली होगा, आर स्क्वेयर के इनवर्सली होगा। इनको कंबाइन कर दो, कंबाइन इक्वेशन वन टू एंड थ्री, तीनों को कंबाइन करें बच्चों तो क्या मिल जाएगा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपोन में आर स्क्वेयर। बोलो डायरेक्टली को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ आ जाएगा के आई डी एल साइन थीटा अपोन में आर स्क्वेयर। यहाँ पे के का वैल्यू होता है बच्चों म्यू नोट अपॉन फोर पाई, के होता है यहाँ म्यू नोट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपोन में आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो म्यू नोट अपॉन फोर पाई होता है, म्यू नोट अपॉन फोर पाई की वैल्यू होती है बच्चों 10^-7, ठीक है, इसकी वैल्यू 10^-7। म्यू नोट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जैसे एप्सिलॉन नोट होता है, यहां पे म्यू नोट चलेगा, फर्स्ट यूनिट में कांस्टेंट आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ चलेगा म्यू नोट अपॉन फोर पाई। हर डेरिवेशन में म्यू नोट को मैग्नेटिक परमेबिलिटी बोलते हैं, एप्सिलॉन नोट को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है, और इसका म्यू नोट अपॉन फोर पाई का कंप्लीट वैल्यू 10^-7 होता है। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ बी, एसआई यूनिट ऑफ बी टेस्ला, इसको टी से लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला हो जाएगी। तो जब इसकी यूनिट टेस्ला है तो म्यू नॉट की यूनिट निकाल सकते हैं, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वेयर अपॉन में एम्पियर अपॉन में मीटर। तो म्यू नॉट की यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ म्यू नॉट, ध्यान से देखना बच्चों, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ टेस्ला आर स्क्वेयर, तो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वेयर, टेस्ला मीटर स्क्वेयर, करंट का एम्पियर और मीटर नीचे आ जाएगा, तो एम्पियर और मीटर, एक मीटर कट जाएगा तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ठीक है, तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, मिली है मीटर नहीं है, ये एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो यहाँ पे ये है बायोट सावर्ट्स लॉ, म्यू नोट अपॉन फोर पाई, म्यू नोट अपॉन फोर पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। थीटा आपको पता ही लग गया करंट एलिमेंट में और आर वेक्टर में एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट होती है टेस्ला, निकोला टेस्ला का नाम सुना होगा इसलिए इसकी ऐसा यूनिट उसी के बेस नेम पे है, और म्यू नोट को मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इस होल का वैल्यू 10^-7 और म्यू नोट का यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब बच्चों बात कर रहा हूँ बायोट सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, बायोट सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देखो इसकी मैग्नीट्यूड आ चुकी है डीबी की, डीबी आ चुका है म्यू नोट अपॉन में फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर।
इसे वेक्टर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो बच्चों क्या करो, आर से मल्टीप्लाई करो, आर से डिवाइड, तो क्या बन गया ये, डी बी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल, आर को आगे लिख दिया साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब, ठीक है। आई डी एल आर को आगे लिख दिया साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब। ऐसा मैंने क्यों किया, आपको लग रहा होगा, देखो क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है, तो मुझे दो वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, एक वेक्टर क्वांटिटी तो आई डी एल बन गया, एक आर हो गया, और साइन थीटा, ए बी साइन थीटा बन जाएगा। तो इसको बच्चों हम लिख देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो चलो साइड में लिख देते हैं, डी एल क्रॉस आर लिख देते हैं, ये चलेगा, और ये वेक्टर बन गया। इसको सोल्व करेंगे तो डी एल आर साइन थीटा आ जाएगा, तो डी एल एक वेक्टर क्वांटिटी है, आई और डी एल को कंबाइन करंट एलिमेंट बोलते हैं, तो इसको आर से मल्टीप्लाई आर से डिवाइड करके ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो कई बार आता है इसकी डायरेक्शन डी एल क्रॉस आर, अब डी एल किधर है, ये बच्चों आपका डी एल है यहाँ से यहाँ तक, तो जहाँ भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए हमने पढ़ रखा है फिजिक्स में राइट हैंड थंब रूल लगेगा, तो डी बी का डायरेक्शन किधर होगा, डी एल क्रॉस आर, तो डी एल क्रॉस आर करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ, अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको क्रॉस से लिख देते हैं, ठीक है। तो डी एल क्रॉस आर मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से दी जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से। तो बच्चों मैं लिख देता हूँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। देखो मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है, जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए वहां राइट हैंड थंब रूल लगेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कभी गलती से आर क्रॉस डीएल मत लिख देना, आर क्रॉस डीएल इसकी डायरेक्शन गलत हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर ही होती है, क्योंकि डीएल क्रॉस आर अंदर होगी, अगर आर क्रॉस डीएल कर दोगे तो बाहर की तरफ हो जाएगी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसकी डायरेक्शन अंदर ही मिली, तो डीएल क्रॉस आर से लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अगर बच्चों ये वाला पॉइंट पी कंडक्टर पे लाई करे, ध्यान से समझ लेना, अगर पॉइंट पी कंडक्टर पे ही लाई करे, अगर पॉइंट पी कंडक्टर पे लाई करेगा तो थीटा कितना हो जाएगा, सपोज करो ये वाला पॉइंट पी यहां है, तो क्या होगा, डीएल भी इधर ही है, आर भी इधर ही हो जाएगा, तो थीटा 0 हो जाएगा ना, इफ पॉइंट पी लाई ऑन अ कंडक्टर, इफ पॉइंट पी लाई ऑन अ कंडक्टर देन थीटा आपका 0 हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, थीटा 0, साइन 0 क्या होता है, 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो समझ लेना, अगर कोई पॉइंट कंडक्टर के ऊपर लाई करे या कंडक्टर की लाइन में कहीं भी हो, जैसे ये कंडक्टर है, इस लाइन में कहीं भी पॉइंट हो, पॉइंट या कंडक्टर के ऊपर हो या कंडक्टर की लाइन में हो, तो थीटा हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि थीटा ऐसे 0 हो जाएगा ना, अगर मान लेते हैं अपोजिट जाओगे पीछे तो 180 हो जाएगा, साइन 180 भी क्या होता है, 0। तो अगर पॉइंट पी कंडक्टर पे लाई करता है तो थीटा 0 होगा, या कंडक्टर की लाइन में भी लाई करे तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगा। इसको मैं आगे न्यूमेरिकल में यूज करूंगा, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम कुछ, जैसे आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड में। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं। इन दोनों लॉ में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है, अब वो देखते हैं, ठीक। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूँ कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और बायोट सावर्ट्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, नोट डाल लेंगे हम, ठीक है, नोट डाल लो। देखो ध्यान से देखें तो दोनों आर स्क्वेयर के इन्वर्सली हैं। कूलम्ब्स लॉ में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था के क्यू बाई आर स्क्वेयर, और यह मैग्नेटिक फील्ड निकाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। बोलो, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है के क्यू बाई आर स्क्वेयर, या मैग्नेटिक फील्ड निकाला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर, दोनों ही आर स्क्वेयर के इन्वर्सली हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट है बायोट सावर्ट्स लॉ एंड कूलम्स लॉ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, मतलब कि दोनों ही आर स्क्वेयर के इन्वर्सली है। ये तो इनमें सिमिलरिटी हो गई, डिफरेंस भी इसी में लिख देता हूँ नोट में सारे पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से प्रोड्यूस होती है जो स्केलर क्वांटिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट से प्रोड्यूस होती है आइडियल से जो वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाई स्केलर क्वांटिटी दैट इज चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाई वेक्टर क्वांटिटी दैट इज करंट एलिमेंट। ठीक है, ये चार्ज से प्रोड्यूस होती है जो स्केलर क्वांटिटी है, ये करंट एलिमेंट से प्रोड्यूस होती है जो वेक्टर क्वांटिटी है। ये एंगल पे डिपेंड नहीं करती, और मैग्नेटिक फील्ड एंगल पे डिपेंड करती है कि करंट एलिमेंट में और पोजीशन वेक्टर में कितना एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल बट मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजिशन वेक्टर। ठीक है, ये आइडियल और आर में जो एंगल है उस पर डिपेंड करता है। जैसे बच्चों ये चार्ज है क्यू, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो ये इसको रिपेल करेगा, डायरेक्शन ऐसे ही होगा। लेकिन अभी आपने देखा कि ये करंट एलिमेंट है, ये पॉइंट पी है, डीएल क्रॉस आर अगर हम करते हैं तो जो डीएल क्रॉस आर होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। डीएल क्रॉस आर अंदर होगा, अगर इधर पॉइंट होगा तो डीएल क्रॉस आर बाहर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो ई होता है वो पोजीशन वेक्टर की लाइन में ही होता है, जो लाइन पॉइंट को और चार्ज को ज्वाइन करती है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एंड पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड। समझ गए, उसी की लाइन में होगा। लेकिन ये क्या होता है, बट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी लाइन ज्वाइनिंग एंड करंट एलिमेंट, तो हम बोल देंगे बट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू आई डी एल एंड आर वेक्टर इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होती है। तो ई तो जो पॉइंट होता है और जो चार्ज होता है इनको जो लाइन ज्वाइन करती है उसी की लाइन में होगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ठीक है, लेकिन ये डीएल करो सार बाहर या अंदर होगा। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और बायोट सावर्ट्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों में सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको दिखाए हैं। अब मैं बायोट सावर्ट्स लॉ पे एक क्वेश्चन कराता हूँ सिंपल सा, जिससे आपको समझ में आएगा कि बायोट सावर्ट्स लॉ कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब बच्चों बायोट सावर्ट्स लॉ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे आपको यूज करना आ जाएगा कि बायोट सावर्ट्स लॉ कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, एक छोटा सा करंट एलिमेंट है ये यहाँ पे डीएल। ठीक है, डीएल आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और करंट इस डायरेक्शन में है 2 एम्पियर। पॉइंट पी है 0.5 मीटर पे वाई एक्सिस में। ठीक है,
एक स्मॉल करंट एलिमेंट है 1 सेंटीमीटर का एक्स डायरेक्शन में, उसकी वजह से पॉइंट पी पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी। ठीक है बच्चों, तो स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो क्या यूज करना है बोलो, बायोट सावर्ट्स लॉ। क्या है बायोट सावर्ट्स लॉ? वी नो, आई नो, सभी जानते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो डी बी तो कैलकुलेट करना है, आई डी एल किधर होगा? करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में, जिधर करंट होगा उधर ही करंट एलिमेंट की डायरेक्शन इधर, और P पे आपको क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका R वेक्टर बनेगा, R वेक्टर ये बनेगा, एंगल कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10^-7 बताया पीछे, I कितना है 2, DL कितना है 1 सेंटीमीटर, मीटर बना लो, थीटा कितना हो गया 90, आर स्क्वेयर कितना है, आर का वैल्यू 0.5 का मतलब 5/10 1/2 और इसका 10^-2 मीटर। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वेयर कर दो तो बच्चों कितना आ गया, 1/2 का स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा 4 और 2 हो जाएगा 8, -2 -7 ये हो जाएगा -9 साइन 91 और यूनिट हो जाएगी टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई 8×10^-9 टेस्ला। अब ये देखना है इसका डायरेक्शन किधर होगा, डीएल करो सार करो, डीएल ये रहा आर ये रहा, डीएल करो सार किधर, कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव जेड होगा ये बोलो, डीएल इधर है आर इधर है, डीएल करो सार करना है, डीएल करो सार ये डायरेक्शन, और ये कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव जेड। तो डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो ऐसे आपको बायोट सावर्ट्स लॉ यूज करना है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आईडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा दिया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बार डीएल करो सार अपॉन में आर क्यूब। आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।